अब पेपर के अंदर कुछ बातों का ध्यान रखना है, आपकी प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो अ मैटर। प्रेजेंटेशन का मतलब है कि आपको प्रॉपर हेडिंग्स लिखनी है कहीं पर। अगर आप स्टेटमेंट बना रहे हैं तो स्टेटमेंट की हेडिंग होनी चाहिए कि स्टेटमेंट ऑफ क्या बना रहे हैं। अब हमारे पेपर के अंदर 30 मार्क्स के एमसीक्यू और 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव। आपके बेटा पेपर में 30 मार्क्स में से 20 मार्क्स की केस स्टडी है, बाकी के 10 मार्क्स आपके नॉर्मल एमसीक्यू हैं। तो आप चाहो तो उन्हें पहले कर सकते हो, दो दो मार्क्स के 5 एमसीक्यू। आप सब बच्चे पेपर में जाने से पहले, फाइनल एग्जाम से पहले एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट पेपर जरूर दें। हाय दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कॉस्टिंग पेपर को लेकर, जो बच्चों के मन में एक बहुत बड़ा डाउट होता है कि सर इस पेपर को हम कैसे हैंडल करें। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। आज जो मैं टिप्स देने वाला हूं बेटा, ये आपके सभी अटेम्प्ट्स के पेपर के लिए, इट्स नॉट कॉमन फॉर एनीथिंग। मैं बोलूंगा कि सितंबर या जनवरी, नहीं भाई, सबके लिए है। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है समझना। दोस्तों सबसे पहला हमारे पेपर में जो बच्चों का सबसे बड़ा समस्या आता है वो ये होता है, सर क्वेश्चन तो हमारे सामने आ गया, हमने क्वेश्चन पढ़ भी लिया, बट प्रॉब्लम इज क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें। हमें ये तो आइडेंटिफाई बहुत बार हो जाता है कि ये टॉपिक कौन सा है, बट समस्या आती है क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करें। ये आपके साथ जनरली बहुत सारे अदर सब्जेक्ट्स में भी आती है। तो इसको हैंडल करने का भाई बहुत सिंपल सा तरीका है। स्पेसिफिकली मैं अभी अपने सब्जेक्ट कॉस्टिंग की बात कर रहा हूं। पहले दोस्तों इसके अंदर आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। सबसे पहले आप क्वेश्चन को आराम से तसल्ली से रीड करिए। वंस यू रीड दैट, उसके बाद क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़िए। रिक्वायरमेंट में आपको कोई ना कोई टॉपिक मिलेगा कि निकालना क्या है। से फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मुझे क्वेश्चन में आया मुझे ईओक्यू निकालना है। अब मैं अपने आप की रिवर्स स्ट्रेटेजी लगाऊंगा कि मुझे ईओक्यू निकालने के लिए क्या क्या चाहिए। लेट सपोज ईओक्यू निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, यस ए चाहिए, एनुअल रिक्वायरमेंट, ओ चाहिए, सी चाहिए। अब ये तीनों नंबर्स में ढूंढना शुरू करूंगा। अगर ये डायरेक्टली गिवन है तो अच्छी बात है, या कहीं ना कहीं ये मिसिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू कहीं से कनेक्ट कर दिए जाएंगे। सो दिस इज हाउ यू हैव टू स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो सबसे पहला स्टेप कॉस्टिंग के पेपर में बेटा क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। मैं इसको बोलता हूं, अगर मान लो क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है, आपको पहली बार आपने क्वेश्चन देखा, ऐसा हो सकता है नए क्वेश्चन हमारे पास आए, उस केस में सजेस्टेड इज कि आप क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम रीड करें। कभी भी क्वेश्चन कोई दिक्कत कर रहा है तो आप उसको दो बार रीड करें, ऐसा भी होगा। जब आप सेकेंड रीडिंग करेंगे तो आप यकीन मानिएगा ऑलमोस्ट सारा का सारा क्वेश्चन आपको काफी क्लियर हो जाएगा। अब रीडिंग करने का मतलब ये नहीं है कि आप फटाफट से फुर देनी से एकदम से रीड कर दें, जैसे मिस्टर एक्स इज वर्किंग दिस दिस, ऐसे नहीं। आराम आराम से थोड़ा थोड़ा पढ़ के उसको अंडरस्टैंड करिए। सिमिलर वे जैसे हम क्लास में आपके साथ करते हैं, आराम आराम से पढ़ के उसको अंडरस्टैंड करके रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्वेश्चन का फ्रेमिंग करते हैं। अब पेपर के अंदर कुछ बातों का ध्यान रखना है, आपकी प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो अ मैटर। प्रेजेंटेशन का मतलब है कि आपको प्रॉपर हेडिंग्स लिखनी है कहीं पर। अगर आप स्टेटमेंट बना रहे हैं तो स्टेटमेंट की हेडिंग होनी चाहिए कि स्टेटमेंट ऑफ क्या बना रहे हैं। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं बट इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। आप पर्टिकुलर्स और अमाउंट ये हेडिंग में जरूर लिखिए। अगर आप रुपीज लैक्स में लिख रहे हैं तो हेडिंग में लिखिए कि रुपीज आर इन लैक्स या रुपीज आर इन थाउजेंड या नॉर्मल रुपीज है। ये सब बहुत इम्पैक्ट करते हैं। कई बच्चों का सवाल आता है सर क्या हमारी राइटिंग भी इम्पैक्ट करेगी, तो आंसर इज बेटा राइटिंग पढ़ने में आनी चाहिए। राइटिंग कितनी सुंदर है, कर्सिव है, इन सब का मैटर नहीं है। बट अगर एग्जामिनर आपके वर्ड्स या आपके नंबर्स को वो रीड भी नहीं कर पा रहा तो बेटा मार्क्स वो कैसे देगा। तो आपकी राइटिंग पढ़ने के लिए क्लियर होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीजें पहले आपको ध्यान रखनी है प्रेजेंटेशन से रिलेटेड और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से रिलेटेड। अब दोस्तों एक और सवाल कई बच्चों का आता है कि सर अब हमारे पेपर के अंदर 30 मार्क्स के एमसीक्यू और 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव, तो पहले कौन सा ट्राई करें, डिस्क्रिप्टिव पार्ट या एमसीक्यू पार्ट। तो दोस्तों मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव करना है। क्यों सर, एमसीक्यू में पास्ट टेंस देखा गया है कि भाई एग्जामिनर आपको बहुत परेशान करेगा। वो केस स्टडी जब देगा, केस स्टडी के अंदर आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगा, अजीब अजीब से लैंग्वेज देगा, बड़े बड़े दो दो पेज के, तीन तीन पेज के केस स्टडी के मसाले होंगे। पहले उस पूरे कॉन्टेंट को रीड करके उसमें से 5 क्वेश्चन बनाना कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए माय सजेशन वुड बी पहले आप अपने 70 मार्क्स के पेपर को सिक्योर करें, उस 70 मार्क्स में से कुछ अपना कैप्चर करें,
वंस यू डू दैट, उसके बाद आप बाकी के 30 मार्क्स पर फोकस करें, पहली चीज। दूसरी स्ट्रेटेजी इस पे क्या हो सकती है, आपके बेटा पेपर में 30 मार्क्स में से 20 मार्क्स की केस स्टडी है, बाकी के 10 मार्क्स आपके नॉर्मल एमसीक्यू हैं, तो आप चाहो तो उन्हें पहले कर सकते हो, दो दो मार्क्स के 5 एमसीक्यू, वो कंपैरेटिवली थोड़े से इजी पढ़ सकते हैं। बट अगेन ये कॉल आपको लेना पड़ेगा पहले 15 मिनट में जो आपको पेपर रीडिंग टाइम मिलता है, बेस्ड ऑन दैट आपको एनालाइज करना है कि कौन से पार्ट को पहले, बट रिकमेंडेड इज पहले 70 मार्क्स करें फिर 30 मार्क्स पर जाए। अब सर मान लो पेपर काफी टेक्निकल आ गया तो क्या होगा, तो दोस्तों याद रखना पेपर जितना मर्जी टेक्निकल आ जाए, टू द पास्ट एक्सपीरियंस इट सेज, अगर आपका पेपर टेक्निकल भी बना है, उस टेक्निकल में से आउट ऑफ 70 मार्क्स अगर मैं बात करूं, भाई आपका टेक्निकल पार्ट 20 से 25 मार्क्स का होगा वर्स्ट केस में, बाकी का 50 मार्क्स आपका नॉर्मल पेपर होगा। अब हमें उस पेपर में अपनी मेंटल पोजीशन को या मेंटल स्टेट को थोड़ा ठीक रखना है कि पेपर में जाकर ऐसा ना हो उस 20-25 नंबर को देखकर हम अपने पैनिक बटन दबा दें, अपने पैनिक मोड पर आ जाएं और बाकी का 50 नंबर खराब कराएं। तो आपको सबसे पहले वो 50 नंबर जो आता है उस पे फोकस करना है, फिर जो टेक्निकल पार्ट अगर कोई भी है व्हाटएवर इट इज, उसको आराम से पढ़िए, आराम से करिए, हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं होगा, बिकॉज मैं ये मानता हूं आप सबने पूरी मेहनत करी है पिछले 9-10 महीने, जितने भी आपने पढ़ाई करी है बहुत मेहनत करी है आप सबने बेटा, उस मेहनत को उस 3 घंटे में अब इस्तेमाल करना है। अगर आप पैनिक करेंगे, अपने दिमाग को शांत नहीं रखेंगे, तो जो आता है वो भी ढंग से नहीं हो पाएगा, इसीलिए बेटर है अपने माइंड को बहुत शांत रखना है। अब ये कैसे होगा सर, तो बेटा इसके लिए यू नीड टू हैव प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कैसे करें, तो बेटा आई वुड सजेस्ट आप सब बच्चे पेपर में जाने से पहले, फाइनल एग्जाम से पहले एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट पेपर जरूर दें। 2 मॉक टेस्ट पेपर देने से आपको पता चलेगा कि एग्जाम में हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। जब आप मॉक टेस्ट पेपर दे तो मेक श्योर आपके पास वो पेपर पहले से अवेलेबल ना हो, मतलब ऐसा ना हो आपने पेपर पहले से देखा हुआ हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो पेपर रेंडमली आपके पास आना चाहिए और आप उसे 3 घंटे में बैठ के पूरा करें, बिल्कुल प्रॉपर टेबल चेयर पर बैठकर, जैसे एग्जाम में आपके साथ होगा। मैं तो बोलता हूँ इनफैक्ट आपका टाइमिंग सेम होना चाहिए, जैसे आप पेपर के दिन में अप्रोक्सीमेटली 12 बजे तक दिन में पढ़ते हैं, उसके बाद आप पेपर के निकलने के लिए तैयार होना शुरू हो जाते हैं, तो 12 बजे तक आप पढ़िए, उसके बाद आप अपना 1:45 पर पेपर को हाथ में लीजिए, पहले 15 मिनट रीडिंग करिए, फिर अगले 3 घंटे बैठ के उसे सॉल्व करिए, एंड देन सी कि आपके कितने पैनिक हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन हो रही है। 2 बार ये मॉक ड्रिल अगर आप कर लेंगे तो बेटा एग्जाम में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, यू विल बी एबल टू मैनेज योरसेल्फ। अगर मैनेज नहीं कर पाए तो मामला हो जाएगा गड़बड़, बिकॉज मैंने ये बहुत बार देखा है, एक बच्चा है जिसको बहुत कुछ आता है, अच्छे से पढ़ के गया, बट 2 क्वेश्चन देखकर वो पैनिक में आ गया, तो उस वजह से पेपर क्या कर गया, खराब कर गया। तो ऐसा नहीं करना है, इसका तरीका मैंने आपको बता दिया, राइट। तो बेटा पेपर को करने के लिए जो 3-4 समस्याएं हैं मैंने सारी एड्रेस करी। सबसे पहली बताइए क्या थी, सबसे पहले बेटा पेपर को ट्राई कैसे करना है, पहले डिस्क्रिप्टिव और फिर आपका सब्जेक्टिव। दूसरा, पेपर में काम रहना है, आपको टेंशन या पैनिक बटन नहीं दबाना बेटा। तीसरा, आपके पास अगर कोई नया क्वेश्चन आ जाए जो आपने पहले आज से नहीं करा तो उसको स्टार्ट और कंप्लीट कैसे करें, सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ें, वंस यू सी दैट उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। आप आराम आराम से एक एक पॉइंट को सोचे रिवर्स कैलकुलेशन के साथ कि यार ये निकालने के लिए मुझे क्या क्या स्टेप्स लगाने पड़ेंगे। एंड देन चौथा, इंपॉर्टेंस इज ऑन प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो मैटर। जितना साफ साफ तरीके से लिख पाएंगे, जितना एग्जामिनर को क्लियरली एक्सप्रेस कर पाएंगे, उतना आपके लिए आसान है। सो आई होप आप सबको ये टिप्स का बहुत फायदा मिलेगा। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। बाय बाय।